गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास बीएससी बीएड थर्ड ईयर, सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसके पार्ट नंबर हम 3 की बात करने जा रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था चुंबकीय गुण, जिसके अंदर हमने अनुचुंबकीय की बात की थी या अनुचुंबकत्व गुण की बात की थी, जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित होती हैं और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी प्रवृत्ति अनुचुंबकीय होती है। हमने प्रतिचुंबकीय की या प्रतिचुंबकत्व की बात की, जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं और जिसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय होती है। फिर है लोहो चुंबकत्व। कई बार क्या होता है, कोई लोहे की चीज़ होती है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, बार बार चुंबकीय क्षेत्र से उत्प्रेरित करवाएं, बार बार उसको चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाएं, तो जो लोहे की वस्तु होती है वो भी एक प्रकार एक बार चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाती है, उसके भी ध्रुव बन जाते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है लोह चुंबकत्व। जब उसको गर्म किया जाए तो वो अपने चुंबकीय गुण को नष्ट कर सकती है, ये नष्ट कर सकती है, इसीलिए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक निश्चित टेम्परेचर पर आकर वो अपने चुंबकीय प्रभाव को नष्ट कर देती है, उसको बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। तो जो लोह चुंबकत्व पदार्थ हैं उनको फेरो चुंबकत्व पदार्थ भी कहा जा सकता है, और फेरो चुंबकत्व पदार्थों के अंदर क्या होता है, विनिमय युग्मन होता है, और जब उन्हें गर्म किया जाता है तो उनका वो विनिमय युग्मन अयुग्मित हो जाता है और बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर पर सारे विनिमय युग्मन अयुग्मित हो जाते हैं और उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। उसको क्या बोला जाता है, क्यूरी ताप या क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर का मान अलग अलग के लिए अलग अलग प्रकार का होता है। आयरन जैसे लोहा, लोहे के लिए क्यूरी टेम्परेचर का मान 1043 केल्विन होता है। इसके अलावा कोबाल्ट के लिए क्यूरी टेम्परेचर का मान होता है 1404 केल्विन। या फिर हम निकिल की बात करें, निकिल या निकल के लिए क्यूरी टेम्परेचर का मान होता है 631 केल्विन टेम्परेचर। ये फेरोचुंबकत्व की भांति व्यवहार भी कर सकते हैं और उसके बाद में इनका टेम्परेचर, जो क्यूरी टेम्परेचर जिसको माना जाता है, आयरन 1043 केल्विन, कोबाल्ट 1404 केल्विन, निकल 631 केल्विन, ये टेम्परेचर माना जाता है इनका। इन टेम्परेचर पर ये अपने चुंबकीय प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पदार्थ के अंदर दो गुण और पाए जाते हैं, एक होता है विपरीत फेरोचुंबकत्व, एक होता है विपरीत फेरोचुंबकत्व और दूसरा होता है फेरी चुंबकत्व। क्या होता है, फेरी चुंबकत्व। इसके अंदर जो युग्मन का प्रोसीजर होता है वो इस प्रकार होता है, और इसके अंदर जो युग्मन का प्रोसीजर होता है वो इस प्रकार होता है। ये युग्मन जिसके अंदर पाया जाता है वो फेरी चुंबकत्व होता है, विपरीत फेरो चुंबकत्व होता है। विपरीत फेरो चुंबक ये पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर विनिमय युग्मन, जो पड़ोसी परमाणु कोई भी हो उसके हिसाब से विपरीत दिशा में होता है, इसलिए इसको विपरीत फेरोचुंबकत्व बोला जाता है। ये ऊपर है तो ये नीचे होगा तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, इस तरीके से इनका एक कुल मिलाकर इनका कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण भी होता है। इनका टेम्परेचर भी निश्चित होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर आकर के ये सारे
युग्मन अयुग्मित हो जाते हैं और ये एक प्रकार से अनुचुमकत्व का गुण शो करने लग जाते हैं और वो एक निश्चित टेम्परेचर इनका जो होता है उसको बोला जाता है नील टेम्परेचर या नील ताप। यहाँ पर तो क्या था, क्यूरी ताप था या नील ताप, क्योंकि जब इनको गर्म किया जाता है तो इनकी युग्मन की प्रोसीजर जो होता है वो अयुग्मित हो जाता है और फेरी चुमकत्व, फेरी चुमकत्व जो होता है वो विपरीत फेरो चुमकत्व और फेरी चुमकत्व के बीच का प्रभाव होता है। इसके अंदर अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो ये पूरी तरह से अनुचुम्बकीय प्रवृत्ति में नहीं आते, यानी कि कुल मिलाकर के इनका जो चुम्बकीय आघूर्ण कुछ सीमा तक तो नष्ट कर सकते हैं लेकिन सारा नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हम इन्हें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, विपरीत फेरोचुम्बकत्व और फेरी चुम्बकत्व। तो ये अनुचुम्बक में चेंज हो अनुचुम्बकत्व का गुण शो कर सकते हैं नील टेम्परेचर पर और ये इन दोनों के बीच का प्रभाव होता है। तो ये कुछ चुंबक के गुणों से संबंधित बात थी। मुख्य रूप से तो चुंबक के गुण तीन ही प्रकार के होते हैं, फिर भी मैंने आगे आपको नॉलेज के लिए कुछ बताया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है गोए विधि द्वारा, गोए विधि द्वारा चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना, आघूर्ण ज्ञात करना, गोए विधि द्वारा चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। अब देखिए इसके अंदर अपने लेते हैं, मैं पहले डायग्राम बनाती हूँ इसका। ये कोई विधि है जिसके द्वारा हम चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं।
कि कोई कौन सा पदार्थ चुंबकीय प्रवृत्ति का है और कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का है। इस विधि के अंदर यहाँ पर ये विद्युत चुंबक होती है और इसके अंदर यहाँ ये पदार्थ की एक नली होती है और इधर तुला लगी होती है। सबसे पहले हमें ऐसे पता नहीं होता कि कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। हमें बोल दिया गया कि लो ये एक पदार्थ है और इसको ज्ञात कीजिए कि वो चुंबकीय प्रवृत्ति का है या अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का। हम क्या करते हैं, जो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ के आधार पर थ्योरेटिकल जो मान होता है वो निकाल करके तो बता सकते हैं, लेकिन ये एक विधि प्रैक्टिकल मेथड है, प्रायोगिक विधि है, जिसके द्वारा हम चुंबकीय या अनुचुंबकीय पदार्थ का निर्धारण कर सकते हैं। हमें वो पदार्थ दिया, हमने यहाँ तुला से उस पदार्थ को तोल लिया, उसके बाद में उसका कितना वजन हुआ, कितना वेट हुआ, वो हमने डिनोट कर लिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उस पदार्थ को इस नली के अंदर भरते हैं। पदार्थ की जो नली है उसके अंदर इस पदार्थ को भर लेते हैं और उसके बाद में विद्युत चुंबक के मध्य इसको लगाते हैं। लगाने से क्या होता है कि दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो उस पदार्थ के भार में वृद्धि हो सकती है और एक उस पदार्थ के भार में कमी हो सकती है। अगर उस पदार्थ के भार में वृद्धि हो रही है तो हमने बात की थी अनुचुंबकत्व की, तो जो अनुचुंबकत्व होता है उसके अंदर N और S के मध्य किसी पदार्थ को रखा जाए तो चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित होने लगती हैं, उस पदार्थ के अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने लगती हैं। अगर पदार्थ प्रतिचुंबकीय है तो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होने लगती हैं। तो इस आधार पर हम उस पदार्थ के अनुचुंबकत्व या प्रतिचुंबकत्व का पता लगा सकते हैं। कैसे, अगर उस पदार्थ के भार में वृद्धि हो रही है तो मतलब चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित हो रही हैं, वो पदार्थ अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। अगर पदार्थ के भार में कमी हो रही है तो चुंबकीय बल रेखाएं भार से गुजर रही हैं तो वो पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा। तो इस आधार पर हम उस पदार्थ की चुंबकीय या अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का पता लगा सकते हैं। इसके द्वारा हम उसकी एक ग्राम प्रवृत्ति होती है हमने ज्ञात भी की थी, उसके द्वारा भी उसका वजन लिया जा सकता है और ग्राम प्रवृत्ति को काई जी से शो किया जाता है और जिसका फॉर्मूला होता है 2L इंटू में डेल्टा M एच स्केयर इंटू में M, इससे हम इसको शो कर सकते हैं, M भी स्मॉल आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर काई जी ग्राम प्रवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं और ग्राम प्रवृत्ति का मान ज्ञात हो जाए तो उसके द्वारा मोलर प्रवृत्ति भी ज्ञात की जा सकती है, जिसको काई एम से संयोग किया जाता है जो काई जी इंटू में एम के बराबर होती है। इसके द्वारा इस सूत्र को भी, सूत्र के द्वारा मोलर प्रवृत्ति को भी ज्ञात कर सकते हैं। एम क्या होता है, पदार्थ की मात्रा, डेल्टा एम उन दो पदार्थ के बीच का अंतर हो गया और L दो ध्रुवों के बीच की दूरी हो गई। जैसे अब इस डायग्राम का, तो डायग्राम को हमने समझ लिया, इस फॉर्मूले की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर 2L यानी कि दो ध्रुवों के बीच की दूरी, दो ध्रुवों के बीच की दूरी और M पदार्थ का, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा और डेल्टा एम दो पदार्थों, पदार्थ का अंतर, भी पहले वजन कितना था बाद में किया तो कितना आया, उनके बीच में कितना डिफरेंस आ गया, तो पदार्थ का अंतर हो जाएगा
तो इस आधार पर हम ग्राम प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। और ये कैपिटल एम जो शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है? उस पदार्थ के अणु भार को शो कर रहा है। तो अणु भार से मल्टीप्लाई कर देंगे काई जी के साथ में, तो हमें इस प्रकार गोए विधि द्वारा चुंबकीय प्रवृत्ति, मोलर प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। ये चुंबकीय गुणों से संबंधित टॉपिक हो गया हमारा। अब आता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण जिसको म्यू से शो किया जाता है, हमने एक सारणी भी बनाई है जिसमें म्यू के मान कहीं शून्य है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि म्यू क्या होता है और आर्य द्विध्रुव आघूर्ण या म्यू क्या होता है, इस पर हमारी चर्चा होनी चाहिए। तो म्यू क्या होता है, इसको क्यू इंटू में डी से शो किया जाता है, और या चुंबकीय के क्षेत्र के अंदर बात करें तो ई इंटू में डी से शो किया जाता है। डी क्या होती है? दो ध्रुवों के बीच की दूरी, दो ध्रुवों के बीच की दूरी। और जो क्यू क्या होता है, आवेश। क्यू क्या होता है? आवेश, उन दो ध्रुवों के बीच में लगने वाला आवेश। तो प्रत्येक जो हमारे पास में द्विध्रुव आघूर्ण है, अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग निकाल सकते हैं। हमें ज्ञात करना है इसके आधार पर प्रतिशत आयनिक गुण भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिशत आयनिक गुण, प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, जिसके अंदर लेते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का आघूर्ण का प्रायोगिक मान, आघूर्ण का प्रायोगिक मान बटा में द्विध्रुव आघूर्ण का आघूर्ण का सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान और इंटू में सो। इसके द्वारा हम प्रतिशत आयनिक गुण भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमें ज्ञात हो तो किसी कंपाउंड के लिए। जैसे एक पोलिंग नामक साइंटिस्ट भी था जिसने भी प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला दिया था। प्रतिशत आयनिक गुण, प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला दिया था जिसको ऐसे लिखा जाता है 3.5 इंटू में एक्स ए माइनस एक्स बी। प्रतिशत आयनिक गुण, सॉरी भैया 3.5 नहीं आएगा, 16 प्लस में 3.5 इंटू में एक्स माइनस एक्स बी की स्क्वायर। इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात कर सकते हैं। ए व बी क्या है, विद्युत ऋणताओं को शो कर रहे हैं, विद्युत ऋणताओं को शो कर रहे हैं। और एक्स ए और एक्स बी क्या है, दो परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं का अंतर है, दो परमाणुओं के विद्युत ऋणता का अंतर है, विद्युत ऋणताओं का अंतर है, दो परमाणु की विद्युत ऋणताओं का अंतर किसको शो कर रहा है? प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात कर सकते हैं वैल्यूज रख करके। फिर द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा, द्विध्रुव आघूर्ण आघूर्ण के द्वारा किसी यौगिक के संरचना ज्ञात करना, संरचना भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये इस प्रकार हो, मान लो H और H और Cl और Cl,
और यहाँ पर इसका दिद्रोरा गुण नॉट इक्वल टू शून्य है, इसका मतलब ये क्या है, शीस समावेवी है। और शीस समावेवी के अंदर ये इस प्रकार शो किया जाता है, ये इसको कुछ न कुछ देगा, ये कुछ न कुछ लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ इसका दिद्रो आगुरण नॉट इक्वल टू शून्य है, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि इसी समावी भी है। और यह मान लो ऐसे हो, यहाँ H और यहाँ Cl और यहाँ Cl है, ये इससे खींच रहे हैं और ये इसको दे रहे हैं, तो इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इनका दिद्रो आगुरण निकाल कर पता लगा सकते हैं। तो ये म्यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, एक ट्रांस कंपाउंड है। क्या है, ट्रांस कंपाउंड है। तो इसके द्वारा भी हम दिद्रो आगुरण का के द्वारा किसी भी यौगिक की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने नोट्स में कर भी रखे हैं, आप वहाँ से इनको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, हमने जो सीरीज बनाई है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो सारणी बनाई है उसकी बात करें हम, तो जिसके अंदर हमने यहाँ एग्जांपल H2O को लिया है, जिसका कुछ न कुछ दिद्रो आगुण है 1.84 dB, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो कोणीय है, SO2 जिसका दिद्रो आगुण म्यू बराबर 1.60 dY, और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कोणीय है। क्यों, क्योंकि H2O और ये H और ये H इस तरीके से शो करते हैं, और ये इसके दो पिरामिड बनते हैं इस प्रकार, तो हम यहाँ से ही इसका कोण निकालेंगे, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, कोणीय हो जाएगी। और कोणीय होने से इसका जो ये क्या कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं, क्योंकि ये विद्युत ऋणता ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो दिद्रो आगुरण का मान 1.84 dY आएगा, 1.84 dY आएगा, तो कुछ ना कुछ दिद्रो आगुरण का मान आएगा। उसी प्रकार SO2 का भी कुछ ना कुछ दिद्रो आगुरण का मान होता है। इसके अलावा हम CO2 की बात करें, C=O और C=O, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो म्यू बराबर क्या होता है, जीरो। और स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होती है, रेखीय होती है। तो इस प्रकार ये देखिए, SO2 का म्यू बराबर जीरो, CO2, तो ये एग्जांपल लिया हमने, तो इसका जो दिद्रो आगुरण होता है वो रेखीय होता है। इसके अलावा हम बात करें, जैसे हमारे पास चतुष्फल के स्ट्रक्चर की बात करें, इसका जीरो होता है, इसका म्यू बराबर 1.57 dY होता है, तो ये कार्बन इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ भी Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ Cl जुड़ा हुआ है और यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, ये खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, ये भी इधर आ रहे हैं, इसके पास तो कुछ बच ही नहीं रहा, तो म्यू बराबर जीरो। और स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, चतुष्फल की है, और दिद्रो आगुरण का मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो इसके बाद में एक बार हम अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट करेंगे दिद्रो आगुरण को, फिर से चर्चा मिलेंगे। धन्यवाद।